दोस्तों कि आप चाहते हो होम लोन लेने के लिए, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है ये आपके माता पिताजी के नाम पे है और इस कारण आप टेंशन में हो कि कब मैं अपने नाम पे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाऊं और उसके बाद कब मेरे नाम पे सारा चीज़ कागजात आ जाए, उसके बाद मैं होम लोन के लिए अप्लाई करूं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपके माता पिताजी के नाम पे है, इसके बावजूद आप वो होम लोन ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हमारे देश के अंदर जब भी कोई नया लड़का जॉब करता है तो ये जाहिर सी बात है वो चाहता है कि अपना एक अपने हिसाब से घर बनाए, अपने सपना का घर बनाए, लेकिन ये घर बनाने के लिए एक बड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, जो सोचता है कहीं से होम लोन ले लूँ और इस घर को बना लेता हूँ, लेकिन वहाँ पे आड़ा आता है उसके नाम पे प्रॉपर्टी हुआ है या नहीं हुआ है, यानी उसका जो प्रॉपर्टी होता है खानदानी प्रॉपर्टी वो उसके पेरेंट्स के नाम पे होता है, या तो माताजी के नाम पे होता है या तो पिताजी के नाम पे होता है, और फिर आगे इसको प्रोसेस करने के लिए ये बंदा सोचता है कि कब मैं मेरे पेरेंट्स के नाम से प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कराऊं। ये बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है जहां पे बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है सरकारी दफ्तरों में, तो यहां से बंदा अपना सपना छोड़ देता है और सपने का खात्मा हो जाता है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी मदर या फादर के नाम पे है कोई भी प्रॉपर्टी है, इवन आपकी अगर वाइफ के नाम पे भी प्रॉपर्टी है, तो यहां पे आप अपनी सैलरी के बेसिस पे होम लोन ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप बैंक के अंदर लोन अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर को एप्लीकेंट भरना पड़ता है, तो वहाँ पे अगर आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन है या माताजी के नाम पे ज़मीन है या आपकी वाइफ के नाम पे ज़मीन है, आप बस जब लोन अप्लाई कर रहे हो उसी टाइम उसको को एप्लीकेंट ऐड कर लीजिए उस इंडिविजुअल को, अगर आपकी मदर के नाम पे या फादर के नाम पे या वाइफ के नाम पे जिसके नाम पे ज़मीन है उस इंडिविजुअल को आप को एप्लीकेंट ऐड कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैंक की क्या डिमांड रहता है, और बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ होना चाहिए, अगर आपकी मदर फादर किसी भी तरीके की जॉब कर रहे हैं तो उनका तो फॉर्म 16 निकल जाएगा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपकी वाइफ भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका भी फॉर्म 16 निकल जाता है, लेकिन अगर वो लोग जॉब होल्डर्स नहीं है तो उनका सबसे पहले तो मदर फादर की अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास पैन कार्ड नहीं होगा, तो सबसे पहले आप उनके पैन कार्ड अप्लाई करिए और दो साल के एटलीस्ट दो साल के उनका जो ITR भरवाइए, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हैं, भले ही आप जीरो फाइल करिए, उनका इनकम जो है सालाना जीरो दिखाइए, 5,000 10,000 जो भी दिखाना दिखाइए, लेकिन आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न की कॉपी है वो देना पड़ेगा बैंक को, वो ज़रूरी होता है, बैंक मांगता है, तो लास्ट दो साल के आप जब भी प्लान करते हो, अगर आपकी माता पिताजी के नाम पे ज़मीन है तो सबसे पहले उनका पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए, और पैन कार्ड आने के बाद इनका जो ITR फाइल करवाइए और उसका जो रिटर्न की कॉपी है उसको रखिए, और आप जब भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इनको को जिसको भी को एप्लीकेंट आप ऐड कर रहे हो उनका जो ITR रिटर्न की कॉपी है उसको देना पड़ता है बैंक को, वो दे दीजिए, आपकी लोन आराम से सैंक्शन हो जाएगा, और लोन की जो भी EMI होगा, जो भी अमाउंट होगा, वो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपको EMI भरना होगा क्योंकि आपकी जॉब के ऊपर या आपकी इनकम के ऊपर आप होम लोन ले रहे हो, तो आपको ही जितना भी आपका इनकम है उसी के ऊपर ही आपका जो EMI कैलकुलेट किया जाएगा और आपका जो लोन के अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों SBI की तरफ से महिलाओं के लिए भी होम लोन पे छूट दिया जाता है लगभग 0.05% का, अगर आप को एप्लीकेंट अपनी मदर या अपनी वाइफ को यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे उसका भी इंटरेस्ट रेट पे छूट मिल जाएगा, ये भी एक बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों होम लोन, क्योंकि आप जब भी होम लोन लेते हो कम से कम 10-20 लाख का होम लोन लेते हो, तो वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट पे आपको 0.05% की भी छूट मिल जाए तो ये लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको बहुत बड़ा अमाउंट की सेविंग्स आपको लेके देगा, तो ये सारी चीज़ों को आप सबसे पहले ध्यान में रखिए, अगर आपको होम लोन लेना है तो आप अपनी जो ब्रांच है वहाँ पे जाइए, अपने ब्रांच मैनेजर से बात करिए, आराम से इसके बारे में डिस्कस करिए, और अपनी जो मन में सवाल है उसको निकाल दीजिए कि अगर आपके पेरेंट के पास ज़मीन है आपको होम लोन उसके ऊपर नहीं मिलेगा तो सब बिल्कुल मिलेगा, जाइए अपना लोन लीजिए और अपने सपनों को पूरा करिए। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स, मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।